दिल्ली में आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 23 पैसे बढ़कर पेट्रोल का दाम 82 रुपए 26 पैसे पर पहुंचा, तो वहीं डीजल 30 पैसे बढ़कर 74 रुपए 11 पैसे पर पहुंच गया है। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 73 पैसे पर पहुंचा, वहीं डीजल बढ़कर 77 रुपए 68 पैसे पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री से अवार्ड दिलाने के नाम पर 25 डॉक्टरों के साथ पति पत्नी ने किया लाखों का फर्जीवाड़ा, आरोपी पति पत्नी समेत 6 गिरफ्तार। नोएडा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मुख्य आरोपी जीतू ने कोर्ट में सरेंडर किया, सट्टेबाजी का विरोध करने पर हुआ था मर्डर। हरियाणा के फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में बदमाश को छुड़ाने आए उसके साथियों और पुलिस के बीच फायरिंग, एक शख्स को गोली लगी, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन दो गुटों में बटा, एक गुट का आरोप मांगे मानी गई तो विरोध क्यों। बेंगलुरु में 3 नवंबर को होने वाले अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, कहा ये कन्नड़ कल्चर के खिलाफ है। विशाखापट्टनम में भारत जापान का संयुक्त नौसेना अभ्यास जिमेक्स 2018 शुरू। और दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में 170 मरीज डेंगू से पीड़ित। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।